ड्राई फ्रूट और गर्माहट देने वाले मसाले खाने में जरूर मिलाएं। गर्माहट देने वाले घरेलू मसालों में काली मिर्च, दालचीनी, हींग, जायफल, अदरक, लहसुन को खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं। लोग कहते हैं हमको तो सर्दी लग रही है, सर्दी के मौसम आ गया है, ठंड से कैसे बचे। देखिए, ठंड से बचना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार ठंड लग गई तो आप बहुत परेशान हो जाइएगा और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बहुत से लोग ठंड के कारण बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ठंड ज्यादातर लोगों को शुरुआती और अंत में लगती है। लोग ये सोचकर चलते हैं कि अभी तो सर्दी शुरू हुई है और कुछ लोग ये सोचकर चलते हैं कि सर्दी अब चली गई है। सर्दी आने से पहले आपको अपने और अपने परिवार के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करना होता है ताकि ठंड से बचा जा सके। देखिए, हर मौसम में हर तरह के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं मौसम के अनुसार। इसलिए हमें भी सर्दियों में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए 10 उपाय के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्दी से बचने के लिए खान पान और जीवन शैली में कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। सर्दी में ठंड से बचने के लिए गर्माहट देने वाले फूड खाने चाहिए। सर्दी से बचने के लिए उपाय आजमाने चाहिए। ठंड लगने से बचने के साथ सर्दी जुकाम बचने के उपाय भी करने चाहिए। शरीर को गर्म रखने के लिए गर्माहट देने वाले फूड जैसे अदरक, लहसुन, काली मिर्च, अंडे, दूध और घी खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। शरीर की जरूरतें सर्दियों में अलग अलग होती है। ठंड का असर शारीरिक गतिविधियों पर भी होता है। जैसे सर्दी के मौसम में ठंड बढ़ती है, भूख भी ज्यादा लगने लगती है, कई बार लापरवाही की वजह से ठंड लग जाती है। सर्दियों में शरीर की देखभाल कई तरह से करनी होती है। आपको ठंड से बचने के उपाय के बारे में पता होना चाहिए। महिलाओं को खुद को ठंड से बचने के साथ परिवार के सभी सदस्यों सहित बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। सर्दी जुकाम के अलावा ठंड से बुखार और मौत का खतरा भी रहता है, तो इस सर्दी में खुद को ठंड से बचने के कुछ खास विंटर हेल्थ टिप्स केयर जान ले। उठने के बाद हल्की एक्सरसाइज करें। आप सर्दियों के दिनों में बिस्तर छोड़ने से पहले हल्की एक्सरसाइज की आदत डालें। हर इंसान को ठंड के मौसम में बिस्तर छोड़ने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा आप उठने के बाद एक जगह खड़े होकर दौड़ने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह आपको शरीर की गर्माहट देती है। बिस्तर से उठने के बाद ठंड से बचने वाले कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। खान पान का विशेष ध्यान रखें। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत भी महसूस होती है। तो शरीर को ठंड से बचने का सबसे सरल तरीका है कि आपको जमकर खाना चाहिए। सुबह उठने के बाद नाश्ता आधा घंटे के बाद जरूर करें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर फूड जरूर शामिल करें। ठंड में गर्म कपड़े पर ध्यान दें। कई बार लोग गलत कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठंड के मौसम में गर्म कपड़ों के साथ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो बाहर की हवा को शरीर तक पहुंचने से रोकते हैं। शरीर को ढकने के साथ कान, हाथ, पैर को ठीक से कपड़ों से ढकें। अगर बाहर निकलते हैं तो हाथ के दस्ताने और पैरों के ऊनी मोजे जरूर पहने। चेहरे को ढकने के लिए मफलर का सबसे अच्छा उपाय है। सर्दियों में उबटन स्नान कर। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा उपाय है। दरअसल सर्दियों में शरीर के रोम छिद्र बंद होने लगते हैं। ऐसे में शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इन सर्दियों में आपको साबुन की जगह उबटन से नहाना चाहिए। भारत में कई तरह का उबटन बनाए जाते हैं। आप बेसन, सरसों और मुल्तानी मिट्टी के बनाने वाले उबटन का उपयोग कर सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी से नहाना फायदेमंद होता है। ठंड के मौसम में वॉकिंग है फायदेमंद। कितना भी ठंड हो, आपको वॉकिंग जरूरी करना चाहिए। शरीर को गर्माहट देने के साथ पैदल चलने का सबसे बड़ा फायदा रक्त संचार को मिलता है। नियमित तौर पर पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्त संचार बेहतर होता है। ठंड से बचने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही 40 मिनट तक पैदल चल सकते हैं। घर के तापमान पर रखें नजर। कई बार ज्यादा ठंड होने पर घर का तापमान बहुत कम हो जाता है। धूप जब नहीं निकलती तो घर के अंदर भी ठंड लगती है। ऐसे में घर का तापमान बहुत कम होने पर रूम हीटर का उपयोग करें। सर्दी के मौसम में स्किन केयर भी जरूरी
जरूरी है। सामान्य सर्दियों में स्किन केयर अपनाना चाहिए। नहाने के बाद शरीर को मॉइस्चराइजर करना ना भूलें। ठंड के मौसम में नारियल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में खो रहा है चेहरे का निखार, तो आजमाएं स्किन केयर टिप्स। विंटर स्पेशल फूड खाएं। शरीर को गर्माहट देने के लिए विंटर स्पेशल फूड का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले मौसमी सब्जियों को शामिल करें। इसके अलावा आप हाई प्रोटीन फूड में दूध, पनीर और देसी घी, अंडों को डाइट में शामिल करें। ड्राई फूड और गर्माहट देने वाले मसाले खाने में जरूर मिलाएं। गर्माहट देने वाले घरेलू मसालों में काली मिर्च, दालचीनी, हींग, जायफल, अदरक, लहसुन को खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं। गुनगुने तेल से मालिश करें। जिनको लगता है कि उन्हें ठंड जल्दी लगती है, तो उनको गुनगुने तेल से शरीर की मालिश करना चाहिए। बच्चे को ठंडे से बचने के लिए तेल में लहसुन और हींग डालकर गर्म करना चाहिए। मछली के तेल का इस्तेमाल करें। कड़ाके की ठंड में मछली का तेल का इस्तेमाल आपको ठंड से बचाता है। कार्ड लिवर ऑयल कैप्सूल का सेवन भी आप ठंड से बचने के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके लिए मछली का तेल वरदान साबित होता है। कार्ड लिवर ऑयल कैप्सूल के सेवन से पहले डोज के बारे में डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो था ठंड से बचने के उपाय के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरा वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूले। आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।